उसमें भी हम बिहार को राशि देंगे ताकि बिहार की जो बिजली व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल जो कहते हैं अति आधुनिक बन जाए, यही हमारी इच्छा है। सिर्फ बिहार का नहीं, यह हुआ है कि अब कहीं भी बिजली की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी रही, आकर्षण कम होगा, विद्युत की गुणवत्ता रही। इस पूरे ग्रिड को, नॉर्थ बिहार के ग्रिड को हम लोग, हमारा एक प्रोजेक्ट है नेपाल, हमारी एक कंपनी है सुतले जल विद्युत निगम, वह नेपाल में दो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक अरुण तीन और एक लोअर अरुण, उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा ग्रिड का। नॉर्थ से तो आपका भूटान से जो पावर आ रहा है कनेक्शन है ही है, तो यहां पर पावर की कमी नॉर्थ कदापि कभी नहीं। हमने कहा था कि इसका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे और जल्दी ही करेंगे। मैं श्रीकांत जी को बधाई देना चाहता हूं, पार्वे को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समयानुसार इस ग्रिड का समाप्त कंप्लीशन कर दिया, कंप्लीशन पहले कर दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था उस समय लोकार्पण नहीं हो सकता था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पुनः हम लोग इसका लोकार्पण कर रहे हैं। जैसे कि विजय बाबू ने आपको बताया, इस ग्रिड के बन जाने से और सहरसा में ग्रिड के बन जाने से उसका लोकार्पण कल हम लोग कर रहे हैं, उत्तर बिहार में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हो। मंत्री सिंह साहब को चैम्बर में उस समय में ये पथ निर्माण के प्रधान सचिव तक जाया करता था सीतामढ़ी की सड़कों के लिए इनसे मिलकर। पूरे बिहार के अंदर में जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि कोई भी आदमी चाहे वो बगहा से हो चाहे कटिहार से हो 5 घंटे में पटना पहुंचे, उससे योजना को सरजमीन पर लाने का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे उस समय के पथ निर्माण के प्रधान सचिव आदरणीय भारती सिंह। जब याद कीजिए वो उसी इलाके के रहने वाले भी हैं और कोसी की आपदा में 2 लाखों लोगों को एक एक महीना पूरा भोजन व्यवस्था पूरा आवास व्यवस्था का इंतजाम उन्होंने किया। हम समझते हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे राजकारी और अब ऐसे नेता हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस पावर ग्रिड का स्थापना सीतामढ़ी किया उन्होंने, उन्हें विशेष धन्यवाद है और आदरणीय विजय बाबू को विशेष धन्यवाद है। प्रतिबिंब और बिहार के IAS IPS के लिए अनुकरणीय ऐसे हमारे आरके सिंह जी को विश्व की विशिष्टतम धरती जगदम्बा सीता की धरती पर हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। लोकतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जगदम्बा की विशिष्ट धरती को इस कार्य के लिए चुना है। आरके सिंह जी का जो जज्बा रहा है काम करने का आमंत्रित करती हूँ के इस अवसर पर। मैं यहाँ के नागरिकों को और उनसे मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने कोविड महामारी के कठिन समय में इस परियोजना के क्रियान्वयन में अपना पूरा सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप निर्धारित समय अवधि के निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सका। मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी पावर ग्रिड के 400/220/132 के बीच नवनिर्मित सीतामढ़ी उपकेंद्र को राष्ट्र समर्पित किए जाने के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। परियोजना का निर्माण मैं श्री बीके सिंह जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि आप बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को पुष्प गुच्छ फूलों का गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट करें और उनका स्वागत। मंत्रीगण का आगमन